छोटी मालकिन प्रणाम, मैं पैसे लेकर आया। हाँ गिरीश जी, अंदर आ जाइए। प्रणाम सरकार। प्रणाम मालिक। वो पौधा लगा दिया है, एक बारी देख लेते। देखना क्या है परेशान, तुमने लगाए हैं तो ठीक ही होंगे। फिर भी मालिक एक बार। परसों लौट के देखता हूँ। ठीक है परेशान। नमस्ते शिवानी जी। नमस्ते गिरीश जी। ईशा बेटा देर हो रही है, जल्दी करो। हेलो, और किसी को बताना नहीं, ये दादी माँ ने दिया है। सीक्रेट? हाँ बिल्कुल सीक्रेट, और जैसा मन करे नानी के यहाँ खर्च लेना। ईशा बेटा देर हो रही है, जल्दी करो। मम्मा बुला रही। प्रणाम बड़ी मालकिन। आओ गिरीश आओ। ओ छोटी माल। हाँ हाँ। प्रणाम छोटी मालकिन, ये अकाउंट देख लीजिए। माँ परसों तक लौट कर आते हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना। अच्छा, वो प्रशांत को बहुत तेज खांसी हो रही थी तो मैंने उसे कल की छुट्टी दे दी है। अच्छा किया, आराम करने दो उसे, और मैं और पद्मिनी संभाल लेंगे बगीचे का काम। बड़ी मालकिन, रसोई का सारा काम हो गया, अब मैं निकलूं? ठीक है, परसों आना मत भूलना, और टाइम पे पूजा। जी। ये 7 लाख। चलता हूँ। प्रणाम छोटी मैडम। राबड़ा बड़ी मालकिन, चलता हूँ। गिरीश मेरा हिसाब कब ला रहे हो? परसों, अभी थोड़ी एंट्रेंस बाकी है। याद से? जी। इस राजघराने में कल बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ, और इस बहुत कुछ की प्लानिंग शायद आज ही के दिन हुई थी, पर अगले दिन के बाद वाली सुबह इस कांड का पिटारा खुला, भयंकर कांड। फोन भी कोई नहीं उठा रहा है। आदित्य साहब आज आने वाले थे, उन्हीं से पूछता हूँ। बोलो प्रशांत। मालिक आप आ गए क्या? आ जाने वाला हूँ, बोलो क्या हुआ? बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन कहीं बाहर गए हैं क्या? हमें तो नहीं बताया उन्होंने, क्यों क्या बात है? मालिक मैं और पूजा पिछले 5 मिनट से घंटी बजा रहे हैं, और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, और लैंडलाइन पर भी फ़ोन किया था पर कोई उठा नहीं रहा है। माँ और दीदी दोनों का फोन नहीं लग रहा। सब ठीक तो होगा ना घर पे? माँ, पद्मिनी, माँ, माँ, पद्मिनी, माँ, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन, माँ, बड़ी मालकिन, माँ, माँ, पद्मिनी, बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन,
छोटी मालकिन बजमनी हाँ हम परसों मेरी वाइफ शिवानी के मायके गए थे परवानीगढ़। आज सुबह जैसे ही वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तो मुझे फोन आ गया। किसका फोन आ गया था आपको आदित्य जी? हमारे माली प्रशांत का। आपकी माताजी और बहन पद्मिनी कहीं जा सकती बाहर? जी बिल्कुल, जैसे बाकी लोगों का आना जाना होता है वैसे ही, लेकिन ऐसे बिना बोले कहीं चले जाएं ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। नहीं साहब, रोज नहीं आती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आती हूँ। परसों आई थी और आज आई हूँ। तुम्हारा भी यही सिस्टम है, एक दिन छोड़कर एक दिन? जी नहीं साहब, मेरी रोज की ड्यूटी है, लेकिन परसों तबीयत खराब हो गई थी तो आदित्य साहब ने कहा कि कल छुट्टी ले लो। प्रशांत, खांसी रुक नहीं रही तुम्हारी? वो थोड़ा सा बुखार है मालिक। तो आज काम पर क्यों आए? उतनी भी बुरी हालत नहीं है मालिक, ठीक हो जाएगी। जी अपने आप ठीक होने वाली खांसी नहीं है। एक काम करो, डॉक्टर से मिलो, कल का दिन आराम करो और परसों काम पर आ जाना। वैसे भी हम आज और कल यहाँ पर नहीं है। और आप? जी मैं राजघराने के खेतों का हिसाब किताब देखता हूँ। परसों आया था छोटी मालकिन पद्मनी जी को खेतों का हिसाब किताब देने के लिए, और आज मुझे बड़ी मालकिन गायत्री जी को हिसाब देना था। आदित्य जी, इतनी बड़ी हवेली है आपके पास, लेकिन एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। सर, आदित्य जी आप रुकिए, पहले हम लोग अंदर जाएंगे, मुआयना करेंगे सब ठीक है कि नहीं। इंस्पेक्टर, माँ और पद्मनी का रूम ऊपर है। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैडम आप बच्ची को इधर ही रखिए। आदित्य जी आप दोनों हमारे साथ ऊपर चलिए। हुआ क्या है ऊपर? बच्ची बाहर प्लीज। माँ पद्मिनी, सर अजीब है, कबर्ड का दरवाजा खुला हुआ है लेकिन किसी ने कैश को हाथ भी नहीं लगाया, लाखों में है। पद्मिनी, पद्मिनी जी की बॉडी देखकर लग रहा है कि उनकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई, जबकि हीटर पे हाथ माँ गायत्री का है और गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स भी हैं। लगभग पूरी हवेली छान मारी, दोनों लेडीज गायत्री और पद्मिनी के मोबाइल कहीं नहीं मिले। सर, हवेली के किसी भी खिड़की और दरवाजे पर जबरदस्ती घुस के आने के कोई निशान नहीं है। घर का बाहरी दरवाजा सेल्फ लॉकिंग दरवाजा है, तो जो भी अंदर आया होगा वो चुपचाप इसी दरवाजे से बाहर चला गया होगा। सर, कातिल कोई जान पहचान वाला हो सकता है? घर के माली प्रशांत को छुट्टी दी गई थी, नौकरानी पूजा की वैसी छुट्टी थी, और अकाउंट संभालने वाले गिरीश जी आज आने वाले थे। घर का बड़ा बेटा आदित्य, उसकी पत्नी शिवानी और बेटी ईशा भी यहाँ पर नहीं थे जब मर्डर्स हुए। हमारे सामने बहुत सारे बीज हैं, अब देखना यह है कि इन मर्डर्स की साजिश में कौन से बीज बोए गए थे। दोनों औरतों की मौत दम घुटने से हुई है, दोनों 30 से 48 घंटे पहले मारी गई है। 30 से 48 घंटे पहले? डॉक्टर इतना वाइड रेंज, मतलब ये कि कत्ल कल 19 जनवरी को या फिर परसों 18 जनवरी को, दोनों में से किसी भी दिन हुए हो सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज यही है। ये पद्मिनी की बॉडी काली पड़ गई है, ये इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुआ है? हाँ, पर इस काले रंग की वजह से गला घुटने का निशान कवर हो गया है, पर इसे इलेक्ट्रोक्यूट भी किया गया है। गायत्री देवी स्ट्रेट गला घुटा गया है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो।
प्राइमा फेसी तो यही लगता है कि इन मर्डर्स के साजिश की सारी वायरिंग गलत हो गई है। प्लान शायद ये था कि दोनों औरतों को इलेक्ट्रोक्यूट किया जाए ताकि देखने से लगे कि शॉक की वजह से एक्सीडेंटली दोनों मर गई। शायद वैसे डबल मर्डर केस इंस्पेक्टर, उस घर में पिछले 48 घंटे के अंदर कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। डॉक्टर गलत तो हुआ है, अब ये पिछले 48 घंटों में हुआ है या बहुत समय से होता चला आ रहा है ये तो सिर्फ समय बताएगा। क्या 48 घंटे पहले प्लानिंग हो चुकी थी? 18 जनवरी को गायत्री देवी का बेटा आदित्य, उसकी वाइफ और बेटी 2 दिन के ट्रिप पर जाते हैं। स्टाफ भी वहां 2 दिन नहीं जाता, सीधे 20 को पहुंचते हैं। अजीब बातें कही हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी हवेली में एक ही नौकरानी थी और वो भी ऑल्टरनेट डेज आया करती थी। और हवेली का माली भी 18 को ही बीमार पड़ता है और 19 को उसे छुट्टी दे दी जाती है। और 18 को या फिर 19 को इस हवेली में डबल मर्डर होता है। हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन एक स्पष्ट संदेह के साथ शुरू की कि घर की दाल में ही कुछ काला था। हम तो बस अफसोस ही कर सकते हैं कि काश हम कहीं ना गए होते, लेकिन तकदीर का लिखा ना तो कोई पढ़ सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। ये डबल मर्डर्स तकदीर नहीं है, क्राइम है, भयंकर वाला क्राइम। ये परवानीगढ़ जाने का प्लान अचानक बना था? जी नहीं, एक अरसे से हम शिवानी के माता पिता से नहीं मिले थे। आपका ये ट्रिप प्लान होता है 18 जनवरी को और वापसी का प्लान बनता है 20 जनवरी को। जी, आपका मुनीम गिरीश भी 18 तारीख को आता है और फिर गायत्री जी के हिसाब के लिए समय लेता है 20 तक। जी, ये उनके बीच में बात हुई होगी, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। और आपकी नौकरानी पूजा, वो भी 18 के बाद सीधे 20 तारीख को आती है, अजीब सी ऑल्टरनेट ड्यूटी के हिसाब से। और 19 तारीख को मैंने मेरे माली प्रशांत को छुट्टी दे दी थी। और ये दोनों मर्डर्स 18 या 19 जनवरी को ही हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं, साजिश है? आदित्य जी, मैं कह नहीं रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि एक साजिश है। आप भी चलिए ना अंदर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अरे मैं कहां, तुम दो सहेलियों के भरत मिलाप में अपनी ना कड़ा हुआ यार। तुम ईशा को लेकर वैशाली से मिल लो, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आदित्य हमें मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर निकलना है, तो आ जाना। हाँ ठीक है। 18 जनवरी को हम लोग लगभग यही कोई 11:30 बजे घर से निकले थे। पर ये प्लान कब बना था शिवानी जी? प्लान कैसा प्लान? मायके जाने का प्लान। क्यों, कोई और भी प्लान बना था क्या? देखिए, कोई प्लान नहीं बना था, बस 17 जनवरी की रात को मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मम्मी के घर जाकर आते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कल चलेंगे। बस हमारा मेरी पत्नी शिवानी के मायके जाना, ऐसा भी कौन सा बड़ा गुनाह हो गया इंस्पेक्टर? आप अपनी पत्नी के मायके गए और गुनाह आपके घर में हो गया आदित्य जी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो क्या मैं ऐसा होने देता? या फिर आप ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है इसलिए मैं अपनी पत्नी शिवानी और बेटी ईशा के साथ घर से बाहर था? गिरीश आपका मुनीम, प्रशांत आपका माली और पूजा आपकी नौकरानी, ये तीनों भी तो उस दिन बाहर थे। तो हम सबने मिलकर मेरी माँ और मेरी बहन की हत्या की साजिश रची है। क्यों इतना आगे का सोच रहे हैं आदित्य जी? पहले ये बताइए कि ये पूजा ऑल्टरनेट डे पर काम पर आती है, ऐसा क्यों? हम किस नौकर को कब और कैसे बुलाते हैं ये हमारा पर्सनल मैटर है। और सिक्योरिटी का ना होना भी आपका पर्सनल मैटर है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका कि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। आपकी मेड पूजा ऑल्टरनेट डेज पर घर पर काम करने आती है, लेकिन घर का काम तो रोज होता है, होता है ना? देखिए, घर में रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन सुखाएगा, ये तो सास बहू और ननद के बीच की बात होती है, घर घर की कहानी है ये। बिल्कुल घर घर की कहानी है, लेकिन आप ही बताइए शिवानी जी, ऐसा किस घर में होता है जहाँ पे ननद और सास की इतनी ब्रूटल हत्या कर दी जाती है? और आप बहू पर शक कर रहे हैं, यानी कि मुझ पर? करने की कोई वजह और ना करने की कोई वजह? शिवानी जी, जिन ऑल्टरनेट डेज पर आपकी मेड पूजा काम करने नहीं आती थी, घर का काम कौन करता था? जूठे बर्तन सिंक में रखना एक तो सेहत के लिए ठीक नहीं है, और दूसरी बात, ये हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। जी दीदी। गायत्री देवी और पद्मनी जी के हिस्से में जो पुश्तैनी जमीनें हैं, मैं उसकी देखभाल और सारे अकाउंट संभालता हूँ। जमीनें बट चुकी हैं माँ बेटी और बेटे के बीच? ये तो बड़े मालिक की मर्जी थी, इसलिए मरने से पहले वसीयत में तीनों को अपने अपने हिस्से दे दिए थे। आप गायत्री देवी और पद्मनी का हिस्सा संभालते हैं, आदित्य का क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने जमीन का हिसाब किताब खुद ही संभालते हैं। अकेले? हवेली का माली प्रशांत कभी कभार उनकी मदद कर देता है, काफी खास है उनका। हाँ, प्रशांत चंडेल को बुखार था तो वो दवाई लेने के लिए आया था 18 तारीख को,
बाकी वो उस दिन काम पे गया था या नहीं ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? मैं यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ साहब। प्रशांत, 10 साल काफी होते हैं किसी को ठीक से जानने के लिए। राजघराना है साहब, लेकिन देखिए ना, इतने सीधे संस्कारी लोग, फिर क्या हो गया? बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन को किसी ने मार डाला। कोई बचाने वाला भी तो नहीं था। ताज्जुब होता है कि इतनी बड़ी हवेली है लेकिन कोई सुरक्षा नहीं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। साहब छोटा मुंह बड़ी बात, ये बात मेरे मन में भी कई बार उठी थी, लेकिन किस मुंह से मालिक से ये बात छेड़ता? मैं ठहरा नौकर आदमी। प्रशांत, हमें लगता है कि ये कत्ल घरेलू मामलों की वजह से हुआ है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम जानते हो, जो हमें पता होना चाहिए लेकिन हम नहीं जानते? चार साल पहले जब तुम यहाँ काम पर लगी तब ये रीत थी, एक दिन आओगी और एक दिन छुट्टी। छोटी मालकिन ने पहले दिन ही बता दिया था कि घर की क्या रीत है, अब मालिकों की मर्जी से रखो। फिर और घर में कोई अनबन? अनबन का तो पता नहीं मैडम, लेकिन छोटी मालकिन पद्मिनी बहुत सख्त किस्म की औरत थी। मतलब बात बात पर डांटती थी, सब पर गुस्सा करती थी। किसे डांटती थी? शिवानी जी को? डांटती तो सभी को थी, पर शिवानी भाभी पर ज्यादा गुस्सा करती थी। शिवानी, शिवानी जी। दीदी, 4 बजे माँ के लिए चाय जाती है, 4:05 हो रहे हैं और अभी तक चाय नहीं गई, हो क्या रहा है यहाँ पे? दीदी, मैंने पूजा से कह दिया था बनाने के लिए। पूजा ने अभी तक चाय नहीं बनाई तो तुमने उससे पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं बनाई? घर के नौकरों पर अपनी गलतियां मत थोपो, जल्दी से बोलो उसे चाय बना कर लाए, या मैं बोलूं अगर वो तुम्हारी नहीं सुनती तो। आप उस दिन 2 घंटों के लिए कहां गए थे? अब तुम भी मुझसे सवाल पूछोगी? गिरीश जी, एक बार सच सच बताना, अब जो गायत्री देवी और पद्मिनी को रास्ते से हटाया गया है तो ये पूरा का पूरा रास्ता किसके लिए खुलता है? जाहिर सी बात है, सब कुछ आदित्य जी को ही मिलेगा क्योंकि परिवार में अब वही एक बच्चे हैं। तेरे चेहरे की हिचकिचाहट काफी कुछ कह रही है प्रशांत चंदेल, बेहतर होगा कि जो कुछ जानता है उगल दे। साहब, मैंने वही कहा जो मैंने सुना है। प्रशांत चंदेल, तूने सच सुना है या तो हमसे झूठ बोल रहा है, ये तय करना हमारा काम है। साहब, बिजली टूट पड़े अगर मैं झूठ बोलूं? पता नहीं गायत्री देवी और पद्मिनी जी ने कौन सा झूठ बोला था जिन पर वाकई बिजली टूट पड़ी। साहब जी, पद्मिनी जी और आदित्य साहब की बनती नहीं थी। किस बात को लेकर? वो जमीन बंजर हो चुकी है। हम रोज जो अनाज खाते हैं उसी बंजर जमीन से आता है आदित्य। जमीन हाईवे को लगकर है पद्मिनी, बिल्डर वहां पर होटल बनाना चाहता है जिसके लिए वो हमें अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है। बेचने के लिए इससे अच्छे दाम नहीं मिलेंगे हमें और ना ही इससे अच्छा समय आएगा। पर मुझे नहीं बेचनी वो जमीन आदित्य। वो जमीन माँ और सिर्फ माँ की है, तुम अपनी मर्जी क्यों थोप रही हो उन पर? क्यों दिमाग खराब कर रही हो माँ का? माँ का दिमाग इतना कमजोर नहीं है आदित्य, ना कभी था और ना कभी होगा कि कोई भी उसे खराब कर सके। माँ समझने की कोशिश करो प्लीज, बिल्डर जो आज दाम देने के लिए तैयार हुआ है वो कल नहीं मिलेंगे। पिछले 12 सालों में जमीन के दाम सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं आदित्य, पर लगता है माँ के लिए इज्जत घटती जा रही है। जब तक माँ जिंदा है वो जमीन नहीं बिकेगी। तो सीधे कहो ना कि तुम्हारा इरादा ये है कि माँ सारी की सारी जमीन तुम्हारे नाम पर छोड़ जाए। और तुम्हारा इरादा है अपनी जमीन बचा कर रखो, बाकी सबकी जमीनें बेचकर पैसों में हिस्सा लो। क्यों आदित्य, पद्मिनी चुप हो जाओ तुम दोनों। शुरुआत किसने की थी माँ? बिल्डर का ऑफर कौन लेकर आया था आदित्य? मैंने कहा ना चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे नहीं बेचनी वो जमीन। पद्मिनी दीदी जो कुछ भी कर रही है ना, बस हमारा हिस्सा मारने के लिए कर रही है। अच्छे से जानता हूं, एक नंबर की मौका प्रस्त। एक बात बोलूं आपसे? आप बोलने वाले तो हो, फिर पूछने का क्या मतलब है? बात ही कुछ ऐसी है, दीदी का गुस्सा ना सिर्फ मुझसे है, सिर्फ मुझसे। क्यों? क्यों क्या, शादी और बच्चे का सुख तकदीर में लिखवाया तो नहीं जाता ना? पर माँ भी हमेशा उसी की तरफदारी करती है। भला कौन सी माँ चाहेगी, बेटी का घर नहीं बसा, गोद नहीं भरी। जाहिर सी बात है माँ जी का गुस्सा भी ना हम दोनों पर ही है। काश मैं इस डील की अहमियत माँ को समझा पाता, ये मौका वापस नहीं आएगा शिवानी। सो जाइए, जो हो नहीं सकता ना उसके बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं। Thank you.
सर, गायत्री और पद्मनी के फोन रिकॉर्ड स्कैन हो चुके हैं। 19 जनवरी को उनको कोई कॉल नहीं आया था। और एक दिन पहले 18 जनवरी को? सर, 18 की शाम को उनके बेटे आदित्य ने उनको फोन किया था, अपने ससुराल परवानीगढ़ से। और इस प्रशांत, गिरीश और पूजा की फोन रिकॉर्ड्स? कुछ नहीं निकला सर, तीनों के सेलफोन लोकेशन हवेली के आसपास नहीं दिखा रहे। और ये आदित्य और शिवानी, इनका मामला गड़बड़ लग रहा है सर। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट में काफी बड़ा गैप है, और इसी गैप से हमारा पहला लीड निकल सकता है। हाँ मंगेश, क्या बता रहे थे तुम इस हीटर के बारे में? बस मैं गांव के मार्केट में टहल रहा था, तभी सुनने में आया कि 15 दिन पहले वो अपने आदित्य साहब है ना, उन्होंने 2 हीटर खरीदे थे। कहाँ से? सिंह इलेक्ट्रिकल्स, मार्केट में छोटा सा दुकान है। सर, आदित्य राठौड़ 18 तारीख को लगभग सुबह 11:30 बजे दीवानगढ़ से परवानीगढ़ के लिए निकला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड साफ बता रहे हैं कि वो दोपहर 2:30 बजे तक दीवानगढ़ में ही था। और फिर शाम को शिवानी के मायके परवानीगढ़ पहुंचकर अपनी माँ को फोन करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मर्डर्स 19 नहीं बल्कि 18 जनवरी की शाम को हुए हों? दोनों 30 से 48 घंटे पहले मारी गई है। शायद आदित्य ने गायत्री जी के फोन पर कॉल करके किराए के हथियारों से बात की होगी, जो उस वक्त तक इस डबल मर्डर को अंजाम दे चुके थे, और गायत्री जी का फोन इन हथियारों के पास था। सर, शिवानी को 18 की दोपहर 2:15 बजे एक कॉल आया था। किसका नंबर है? कोई वैशाली गुप्ता है सर। तुम ईशा को लेकर वैशाली से मिल लो, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। मतलब 18 को ही कोई प्लान बन गया था। शिवानी, ओए कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और ईशा मैडम, क्या हालचाल? हाँ, आओ। हाँ हाँ जी, शिवानी मेरी फ्रेंड है, वो और उसकी बेटी ईशा मुझसे मिलने आए थे 18 जनवरी को। और वो लोग आपके घर से कब निकले? करीब 2:30-3 बजे। इस पूरे दौरान आदित्य आपके घर नहीं आया? जी नहीं, वो किसी काम से गए हुए थे, लेकिन लगभग 2:30 बजे वो शिवानी और ईशा को पिक करने आए थे। अरे आंटी को बाय तो बोला नहीं। बाय वैशाली आंटी। बाय मेरा लड्डू। और आप राठौर साहब, आप तो राजा साहब हो, हम आम लोगों के यहाँ तो कदम ही नहीं रखते ना। अरे ऐसा नहीं है, बस थोड़ा काम था, नेक्स्ट टाइम पक्का। आदित्य, एक मिनट बात करना। हाँ बोलो शिवानी। पुलिस ने वैशाली को फोन किया था। क्यों? हमारे बारे में पूछ रहे थे। पूछने दो ना। आदित्य, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि उस दिन तुम 2 घंटे के लिए गए कहाँ थे? शिवानी, मैंने तुमसे कहा ना, मैं किसी काम में था जहाँ मुझे 2 घंटे लग गए थे, फिर एक ही सवाल तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो? राठौर हवेली में हमारे दुकान से सामान जाए, ये तो गर्व की बात है मैडम। ऐसी वाला हीटर लेकर गए थे आदित्य बाबू, टॉप का है ये, 2 पीस लेकर गए थे। आपको कोई हल्की चीज कैसे दे सकता हूँ मालिक? इसे छूने से करंट लगेगा क्या? एक कॉइल वाला हीटर है मालिक, इसे तो ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ गलती से भी किसके हाथ ना पहुंचे, वरना करंट तो मारेगा ही मारेगा। अब पैक कर दो ना इसे। मुझे 2 हीटर चाहिए। आदित्य ने स्पेशली पूछा था कि इस हीटर से शॉक लगता है या नहीं? मैं क्यों मनगढ़ंत बताऊंगा मैडम। मैं और शिवानी काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे थे, हम कॉलेज मेट्स थे। वैशाली जी, उस राठौड़ परिवार में कुछ तो सड़ रहा था, आपको कभी बुनी आई? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मेरी फ्रेंड शिवानी का कुछ तो टेंशन चल रहा था वहाँ। उफ, इट्स टू मच यार, एवरी ऑल्टरनेट डे नौकरानियों का नॉनसेंस। तू मुझे बता रही है? आदित्य से बात कर, तू तो नौकरानियों की टीम रखवा ले। मजाक मत कर यार, आदित्य वैसे पहले से बहुत परेशान है वो हाईवे वाली जमीन को लेके। ये पद्मिनी दीदी भी ना कभी कभी सांपों वाली चाल चलती है। फ्रस्ट्रेशन है यार जबरदस्त। वही तो है, खुद ना तो शादी की ना फैमिली बनाई, और पूरी की पूरी भड़ास निकालती है मुझ पे। तुझे पता है जिन ऑल्टरनेट डेज पे पूजा नहीं आती, पूजा का A to Z पूरा का पूरा काम मैं करती हूँ, और जब वो आती भी है ना, गलती वो करती है, सुनना मुझे पड़ता है। यार तो आदित्य से बात करना, तुम लोग अलग हो जाओ, अलग रह लो। पद्मिनी दीदी यही तो चाहती हैं कि हम अलग हो जाएं और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठ जाएं। मैं नहीं करने वाली है। इतना पैसा होने के बाद भी लोगों ने क्या खस्ता हालत कर रखी है अपनी। सही कह रही हूँ, तुझे पता है खेतों से जितना आता है ना उसी से गुजारा चलता है, पूरी की पूरी इनकम ठप पड़ी है, इसीलिए तो हम लोग हवेली नहीं छोड़ रहे, करोड़ों की है। बातें करते करते 2 बज गए पता भी नहीं चला। और ये आदित्य को देखो, मैंने बोला भी था 1 घंटे में निकलना है, आ जाना, फोन तक नहीं किया अभी तक। कहाँ रह गए? क्या हुआ?
फोन नहीं मिल रहा। देख अंदर आने के बाद तूने अपना बैग तो खोला है नहीं, और तेरे हाथ में भी नहीं था, शायद गाड़ी में रह गया होगा। शिवानी ने मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल किया, सिर्फ रिंग जा रही थी। दोबारा से कॉल किया तो आदित्य ने फोन पिक किया, तब हमें पता चला कि फोन गाड़ी में ही रह गया है। और तकरीबन 2:30 बजे आदित्य मेरे घर आ गए थे। उन 2 घंटों के लिए आदित्य कहाँ था? मुझे नहीं पता सर। लेटेस्ट मॉडल किधर से मिला बे तुझे? तुमसे मतलब? आम खाओगे या पेड़ गिनोगे? लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट दाम लगाओ। मैं वैशाली के घर क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे बोर होना पसंद नहीं है, जैसे मैं अभी हो रहा हूँ। शिवानी और वैशाली के बीच में सहेलियों वाली बातें होती जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही हैं उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। 18 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक कोई ज़रूरी काम कर रहे थे आप? हाँ। क्या काम आ गया था आपके हस्बैंड को? नहीं पता, ये तो मुझे अब तक नहीं पता कि वो किस काम से गए थे। अचानक होने से क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अचानक बाहर नहीं जाते? क्या कभी कोई प्रोग्राम नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, लेकिन आपके इस प्लान के साथ इत्तफाकों का एक कारवां भी तो बना है आदित्य जी। कैसे? 17 जनवरी की रात को अचानक शिवानी जी के मायके जाने का प्लान बनता है। अगले दिन रास्ते में किसी पुरानी सहेली वैशाली के घर रुकने का प्लान बनता है, और वहाँ भी सिर्फ शिवानी जी वैशाली से मिलती हैं, आप नहीं। आप किसी रहस्यमयी काम के लिए गायब हो जाते हैं, और उसके बाद किसी को नहीं बताते कि वो काम क्या था। कहाँ गए थे आदित्य जी? मैं एक पर्सनल काम से गया था। कौन सा पर्सनल काम? मैंने कहा ना पर्सनल। आदित्य जी हमें पता है कि आप कहाँ थे। तो बताइए बताइए। पूरे गाँव से पूछताछ की हमने, एक एक उस शख्स से जिसका आपके साथ ताल्लुक हो सकता है उससे पूछा गया है, लेकिन हर इंसान ने यही कहा है कि वो आपसे नहीं मिला है। तो ये कि एक आदमी ने आपको देख लिया था। कहाँ? आपके खेतों के पास, आपकी हवेली के बहुत पास। आप गाड़ी लगाकर आराम कर रहे थे। आदित्य जी ऐसा कौन सा काम करके आए थे जो इतने थक गए थे आप? ये हीटर ठीक 15 दिन पहले आपकी सास और ननद के रूम में लगाया गया था, है ना? जी। माँ, सर्दियों में ये हीटर कमरे को गर्म रखेगा। क्यों तकलीफ की बेटा? माँ आप बहुत बदल गई हो। क्या हुआ आदित्य? हाँ, मुझे ऐसे फॉर्मल पेश आती हो जैसे मैं आपका बेटा नहीं पराया हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से। ऐसा कुछ नहीं है, इधर आओ मेरे पास बैठो। हाँ, मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ आपका, दुश्मन नहीं हूँ। माँ, प्लान ये था आपका कि इन मर्डर्स को एक्सीडेंट का रंग दिया जाए या फिर शायद सुसाइड का, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिनको आपने ये काम करने के लिए हायर किया वो निकम्मे निकले और आपका मिशन फेल हो गया। सॉरी, इस वक्त आपकी इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही है और आपकी कॉमन सेंस भी, क्योंकि आप प्योर बकवास कर रहे हैं। वो हीटर्स 15 दिन पहले, सिर्फ 15 दिन पहले आपने लगाए थे उनके कमरे में। ऐसे हीटर्स जो शॉक दे सकते हैं। आप और हम दोनों एक ही कस्बे में रहते हैं, और आप और हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 15 दिनों में सर्दियां अपनी पीक पर है। ठंड से बचने के लिए मैंने वो हीटर अपनी माँ और बहन के कमरे में लगाया था, और एक हीटर अपने कमरे में भी। और आपने सिंह इलेक्ट्रिशियंस के मालिक शंकर सिंह से खास तौर पर पूछा था, डबल चेक किया था कि क्या हीटर के कॉइल को छूने से उससे शॉक लग सकता है। पूछा था, बिल्कुल पूछा था, ताकि ये बात मैं अपनी माँ और बहन को बता सकूं कि हीटर का स्विच ऑन करके कमरे से बाहर ना जाए, क्योंकि उस कमरे में मेरी छोटी बेटी ईशा आती जाती रहती है। अगर गलती से भी ईशा ने उस कॉइल को छू लिया तो कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन आप है कि बात को पता नहीं कहां से कहां ले गए। आपके और पद्मिनी के बीच में कोई अनबन चल रही थी। मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं आप लोग हमें फंसाने के लिए। माना कि आदित्य की पद्मिनी दीदी के साथ और यहां तक कि कभी कभी माँ जी के साथ भी अनबन रहती थी, लेकिन वो किसी का कत्ल करने या करवाने वाले आदमी नहीं है। अनबन कंटिन्यू थी, छोटी छोटी बातों पर, बड़े बड़े मसलों पर तनाव भी रहता था, लेकिन इसका कारण मैं नहीं था, वो पद्मिनी थी जिसके दिमाग का पारा 24 घंटे चढ़ा रहता था। मैंने आज तक तुम्हारे आदमी गिरीश के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? गिरीश जी मेरे आदमी कब से हो गए? उनके दादा परदादा हमारे दादा परदादा के मुनीम थे, बस। हद है, एक पुराने मुलाजिम के लिए ये किस तरह की बहस शुरू हो गई है तुम दोनों के बीच में। माँ, पद्मिनी को कोई हक नहीं बनता कि वो प्रशांत पर चिल्ला दे। माँ, मुझे कोई ये बताएगा कि प्रशांत इस हवेली के अंदर कदम रखता कैसे है? उसे इजाजत दी किसने? कहाँ जा रहे हो प्रशांत?
छोटे मालकिन वो पिछवाड़े जा रहा था बगीचे के कुछ औजार लेने। जब आदित्य नहीं है तो तुम घर के अंदर आए कैसे? वो बगीचे का काफी काम रुका पड़ा था और औजारों के बिना हो नहीं पाता, इसलिए आया था। तुम क्यों आते हो? सबको सब कुछ पता है, चलो निकलो यहाँ से और आइंदा से इस घर में कदम मत रखना। बागबान हो, बगीचे तक ही रहो, समझे? पिछले 10 सालों से प्रशांत इस घर में काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें क्यों खटकता है? क्योंकि उसे मैं लेकर आया हूँ, वो मेरा वफादार है। बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि उसने हमारे घर पर चोरी की है और वो दोबारा चोरी नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? पदनी थोड़ी संकी थी और शक्की भी, एक सेकंड में किसी पे भी इल्जाम लगा देती कि इसने चोरी की, इसने मुझे बुरी नजर से देखा, ये ऐसा है वो वैसा है। बस उसे चुप कराने के लिए कभी कभार हमारे बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी माँ और बहन का कत्ल करवाऊंगा, कभी नहीं। इंस्पेक्टर, इतनी सारी बातें साफ साफ बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सबूत है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, वरना बिना सबूत का हैरेसमेंट बंद कर दीजिए, और मेरी फैमिली मैटर में दखल देना वो तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। राम राम छोटे मालिक, अंदर आ सकता हूँ? आओ गिरीश, आगे से पूछा मत करो, ऐसे ही आ जा करो। सर जो कुछ भी हुआ है घर के अंदर से ही हुआ है। पूरा फायदा आदित्य को हो रहा है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ रत्ती भर का सबूत नहीं है। बचा स्टाफ, माली प्रशांत, मेड पूजा और मुनीम गिरीश, इन सबके बैकग्राउंड चेक किए, क्लियर है? रिश्तों में दीवारें थी, इन दीवारों में सीलन भी पड़ गई थी। घर तो टूट गया लेकिन इमारत अभी मजबूत है, बल्कि करोड़ों की। क्योंकि सब कुछ घर के अंदर ही हुआ, टेक्निकल एविडेंस नहीं मिले होंगे, फोन कम्युनिकेशंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं था कि कोई चोरों या डेकॉइड का गैंग था कि लूट के दौरान कत्ल हुआ हो। पैसे तो वहीं रखे थे, छुए भी नहीं, 7 लाख कैश। अब कोई बाहर वाला ऐसा क्यों करता? पर एक्चुअली बाहर वाला इन्वॉल्व था, पैसे भी इन्वॉल्व थे, और हमारा सबसे पहला अंदेशा भी सही साबित हुआ कि यह डबल मर्डर एक बिगड़े हुए प्लान का नतीजा था, और इस नतीजे पर भी हम बाहर से ही पहुंचे। जैसे उसने फोन दिखाया मैंने बस भांप लिया चोरी का माल है, मैंने सोचा आप लोगों को खबर कर दूं। कौन है वो आदमी और रहता कहाँ? अरविंद चौहान नाम है उसका, हमारे दुर्गानगर का ही है। करता क्या? छोटे मोटे 2 नंबर के धंधे। इस अरविंद चौहान को उठवाओ, छोटी मोटी बातें करते हैं। हाँ गिरीश जी, अंदर आ जाइए। ये फोन तो पद्मनी का है, आपको कहाँ से मिला? किसी ने बेचा इसे, खरीदने वाले ने आकर ईमानदारी से रिपोर्ट करा दिया। क्या हुआ साहब, अब और क्या पूछना है आप लोगों को? यही कि तेरे मालकिनों के कत्ल में तू पौधा था या पेड़? क्या? हाँ, तू माली था या तेरे ऊपर कोई बागबान था? चलो। सर क्राइम हिस्ट्री में डिप्लोमा है अरविंद का, चोरियां मारपीट सब, और अब 2-2 कत्ल करके सीधे पीएचडी कर ली। नहीं साहब नहीं, मैं तो बस पैसों की लालच में वहां गया था, तो हुआ अब क्या बताऊं साहब? सब कुछ बताएगा तू अरविंद, तेरी पीएचडी का वाइवा एग्जाम है आज। बताया तो मालिक, वो हवेली का मालिक प्रशांत चंदेल, उसने जो कहा मैंने वो किया साहब। और ये प्रशांत चंदेल, ये किसकी सुन रहा था, कौन था इसके ऊपर? कोई नहीं था साहब, बस उसके अंदर बदले की आग थी, उन्होंने 4 साल पहले उसे जेल भिजवाया था। ये प्रशांत चंदेल की चोरी का केस तो हमारे ही थाने का है। मैडम हम में से कोई भी तब इस थाने में नहीं था। पीएसआई साहब 1.5 साल पहले आए, आप 1 साल पहले, बड़े साहब को आए हुए 6 महीने हो गए और मुझे खुद 2 साल हो गए, और ये केस तो 4 साल पुराना है मैडम। आदित्य मेरा बैग यही था हॉल में, और उसमें से पूरे 50,000 गायब हैं, और तुम्हारे इस प्रशांत के अलावा और कोई नहीं आया यहाँ। हमने पैसा नहीं लिया है मालिक, बैग को छुआ तक नहीं, बस पिछवाड़े से सामान लेकर चुपचाप निकल गए। तो या तो हम झूठ बोल रहे हैं या पैसों के पर निकल आए। पिछले 6 सालों से काम कर रहा है यहाँ प्रशांत, और आज तक अपने ही हाथों से लगाए हुए पौधे का एक फूल तक अपने घर नहीं लेके गए।
और पता नहीं क्या क्या चुरा कर ले गया होगा इन 6 सालों में इस हवेली से। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कहिए। मैं कितने सालों से ईमानदारी से काम करता आया हूँ यहाँ पर, और सिर्फ साहब का ही नहीं, आपका भी तो काम करता हूँ ना। तो एक आखिरी काम और कर लो प्रशांत, चुराए हुए 50,000 वापस कर दो और आइंदा से इस हवेली में कदम मत रखना। पद्मनी, इस हवेली के सारे फैसले सिर्फ तुम नहीं कर सकती। ये पुलिस केस है आदित्य, अब फैसला अदालत करेगी और साबित पुलिस। रुको पद्मनी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मां रोको ने से। हेलो दीवान बाग पुलिस स्टेशन, मैं राठौर हवेली से बोल रही हूँ, पद्मनी राठौर। तीन दिन लॉकअप में रखा, पीटा भी, लेकिन मार खाते खाते मैं सिर्फ यही कहता रहा मैंने चोरी नहीं की। तेरी केस फाइल में लिखा हुआ है कि आदित्य राठौर ने तुझे जेल से छुड़ाया था, तेरा केस वापस लिया, और यही नहीं तुझे वापस काम पे भी रखा था। उनका मुझ पर हमेशा एहसान रहा है, ये पद्मिनी मालकिन, उसने मेरा पैसा खाया, उसके लिए मैंने पूरे 6 महीने काम किया, जब गिरीश जी बीमार पड़े थे पूरे 30,000 रुपए बनते थे, उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे पैसे नहीं दिए उसे। छोटे मालकिन, मेरे पैसे तो दे दो मुझे। तुम्हारी हमारे कमरे में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई? छोटे मालकिन, आप पहले हमें खूब बेइज्जत कर चुके हैं, लेकिन हमारी मेहनत की कमाई तो ना छीनो। वो 50,000 वो भी हमारी मेहनत की कमाई थे जो चुराए हैं तुमने। मैं चोर नहीं हूँ छोटे मालकिन। फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? आदित्य ने तुम्हारी जमानत देकर तुम्हें काम पे वापस रखा है, पर हमारी नजरों में तुम हमेशा चोर रहोगे। बहुत जलील किया था मुझे उसने, बिना चोरी किए अपराधी बना दिया था, फिर सोचा इस बार सच में चोरी करूंगा। आज ही गिरीश ने पैसे जमा किए हैं। छोटी मालकिन प्रणाम, मैं पैसे लेकर आया। और आज ही मालिक शिवानी भाभी और ईशा बेबी को लेकर 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। कितने पैसे होंगे घर में? लाखों में। पॉकेट मारी में इतनी जी तोड़ मेहनत है, पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क है, हाथ लगते हैं क्या 100-200? हाँ तो मतलब पूरा बगीचा है, सारे फूल हमारे, जो चाहे तोड़ो। कांटे भी है। क्या कांटे? फूलों के दोनों गमले तोड़ने होंगे। मारी डालते हैं दोनों को। सच? और नहीं तो क्या, इतनी बेइज्जती की है तेरी, पैसों से तो सिर्फ मेरे दिल को ठंडक मिल सकती है, तेरे दिल को नहीं। पकड़े गए तो? तभी नहीं, हाथी की मौत के लिए आज तक चिट्ठी पे शक हुआ है कभी? सामान लेना है। कितनी बार बोला तुम्हें, आदित्य घर पे ना हुआ करे तो अंदर मत आया करो। पिछवाड़े से औजार लेने, 2 खास पौधे लगाने, मालिक ने कहा था आज ही लगाने को। ठीक है, जल्दी लेकर निकलो यहाँ से। कौन है तुम्हारे साथ प्रशांत? तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब आप दुनिया पार करोगी छोटी मालकिन। मतलब? अबे ये क्या कर दिया? सही तो था, ऐसा लगेगा बिजली का झटका लगने से मर गई। मुझे डर लग रहा है अरविंद। काहे का डर, मर गई हैं दोनों, तो बस पैसे इंतजार कर रहे हैं हमारा। वे तो 10,000 ही है, तूने तो कहा था लाखों है। मुझे लगा था गिरीश लाखों लाया होगा। चल कोई नहीं, 10,000 भी बुरे नहीं होते हैं, बाकी इनके मोबाइल बेचेंगे, कीमती हैं काफी। ये क्या कर रहा है?
अबे एक्सीडेंट लगना चाहिए ना मेरे भाई। हो गया ना, चलना चलना जल्दी। रुकना, कौन आ रहा है अब यहाँ? रुक एक सेकेंड, काम परफेक्ट होना चाहिए एकदम। अब सही है, अब लग रहा है दोनों माँ बेटी बिजली के झटके से मर गए। चल जुर्म की दुनिया में कोई नर्सरी का भी स्टूडेंट होगा ना, तो वो भी यही बोलेगा, तुम्हारा प्लान परफेक्ट नहीं था बल्कि परफेक्ट का उल्टा था, एकदम कच्चा। तुम दोनों को सिर्फ गलत फहमी थी कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे, खासकर तुझे प्रशांत चंदेल। 4 साल से दम घुट रहा था, जब भी हवेली से कोई चीज गुम हो जाती मुझ पर बरस पड़ती थी, पुलिस की धमकी देती थी। मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया, इसलिए 4 साल पहले मैंने तुझे पुलिस से छुड़वाया था। पर मुझ पर लगा दाग तो नहीं छूटा ना मालिक? और वही झूठा इल्जाम तो मुझ पर लगाने चला था पुलिस को गुमराह करके कि मैंने अपनी माँ और बहन का कत्ल करवाया है, कहाँ गई तेरी वफादारी? गलती हो गई मालिक। लेकिन प्रशांत, तुझे मरते दम तक इस बात का अफसोस रहेगा कि तूने अपने ही हाथों से अपना बागान उजाड़ दिया, अपने जीते जी अपनी बीवी को विधवा और बच्चे को अनाथ बना दिया। इसे गलती नहीं कहते प्रशांत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.